सो हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू बैंकपीडिया एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं हमारा एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और जिसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर टू स्टडी क्वांट्स फॉर बैंकिंग। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक फ्लोचार्ट के मीडियम से आपको समझाने की कोशिश करी है कि व्हाट इज़ द बेस्ट इफेक्टिव वे टू कम्प्लीट दिस सिलेबस ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इन आर बैंकिंग। ओके, सो यहाँ पे मैंने जनरली देखा है कि एस्पिरेंट्स जो होते हैं हमारे, वो प्रिपरेशन जब शुरू करते हैं तो वो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि हमें किस चैप्टर से शुरू करना चाहिए। ओके, हमें कहाँ से पढ़ना है, मैं किस चैप्टर से स्टार्टिंग करेंगे, कहाँ पे एंड करेंगे। तो जब आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो यू मस्ट बी अवेयर कि मैं कहाँ से शुरू करूँगा, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मैं कौन सा नेक्स्ट चैप्टर पढ़ूँगा। तो यही सब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक फ्लोचार्ट के मीडियम से आपको समझाने की कोशिश करी है कि व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर टू गो अहेड इन आर प्रिपरेशन। दैट इज, सबसे पहले अगर हम कोई भी बैंकिंग एस्पिरेंट तैयारी शुरू करता है, ओके, सबसे पहला सो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो चैप्टर पढ़ना चाहिए दैट इज़ परसेंटेज। परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो आपके मैक्सिमम 50% कोर्स कवर कर सकता है, परसेंटेज एंड प्लस इट्स एप्लीकेशंस। जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाए हैं चैप्टर्स, रेशियो प्रोपोर्शंस, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, मिस्टर एलिगेशन एंड पार्टनरशिप, दीज ऑल आर एप्लीकेशंस ऑफ परसेंटेज ओनली। इन सभी चैप्टर में कहीं ना कहीं पे आपको परसेंटेज देखने को मिलेगा, आपको परसेंटेज की हेल्प मिलेगी अगर आपने परसेंटेज कवर कर लिया है। ओके, सो अगर आपको परसेंटेज की सारी वैल्यू याद हो गई हैं, आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करना आ गया है, तो आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, बिकॉज इससे आपका जो प्लस पॉइंट है सबसे बड़ा, दैट इज़ कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत इंक्रीज हो जाती है। आपकी जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी, आप मेंटली कैलकुलेट कर पाएंगे, जो आपको हेल्प करता है आपके सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन में। जो अगर हम बात करें तो प्री में एटलीस्ट 10 नंबर्स की आती है इन कलर्क प्री एंड मेंस एंड फॉर PO प्री के लिए भी इसमें एटलीस्ट 5 क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। ओके, ईदर ऑफ सिंप्लीफिकेशन और ऑफ अप्रोक्सीमेशन। ओके, सो परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो आपको थोरोली हेल्प करेगा आपके पूरे प्रिपरेशन के दौरान। ओके, सो यहाँ पे जो हम सबसे पहले चैप्टर कंप्लीट करेंगे वो है परसेंटेज। ये जिस ऑर्डर में आपको मैं ये दिखा रहा हूँ अपनी स्लाइड्स जिसमें हमने बनाई हुई हैं, इसी ऑर्डर में हम अपने यूट्यूब चैनल में भी पूरे अपने क्वांट्स के सिलेबस को कवर करेंगे। ओके गाइस, सो यहाँ पे सबसे पहले हमने परसेंटेज अपना कंप्लीट कर दिया, सारी इसकी जितनी भी वैल्यूज होती हैं। ओके, अगर मैं जैसे पूछूं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 37.5 को अगर हम फ्रैक्शन में करते हैं तो क्या इसकी वैल्यू है, 50% की क्या वैल्यू है, 62.5% की क्या वैल्यू है। तो ये कुछ जनरली ऐसी टर्म्स हैं जो हमारी रेगुलर यूज होती हैं क्वेश्चंस में, तो ये हमको बाय हार्ट याद होनी चाहिए, वो सब हम देखेंगे परसेंटेज चैप्टर में। ओके, देन जब हमारा, और यहाँ पे हम सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन साइमल्टेनियसली करते रहेंगे। ओके, देन हम जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे दैट इज़ हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखिए, रेशियो प्रोपोर्शन भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से इसकी मैंने दो ब्रांचेस कनेक्ट करी हैं, दैट इज़ मिक्सचर एंड एलिगेशन एंड पार्टनरशिप। ओके, सो इनमें भी कहीं ना कहीं रेशियो का ही कॉन्सेप्ट है, और फिर इनके अपने अलग से कॉन्सेप्ट भी हैं। जैसे मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, इसमें पूरा रेशियो का खेल है, अगर आपको रेशियो से डील करना आ गया तो आप ये चैप्टर भी कर ले जाओगे। सिमिलरली गोज विथ पार्टनरशिप ऑल्सो। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले परसेंटेज देखेंगे। ओके, साइमल्टेनियसली हम सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन भी देखते रहेंगे, और उसके बाद हम रेशियो प्रोपोर्शन के बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन एंड पार्टनरशिप शुरू करेंगे। ओके, देन जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एक बहुत ही ईजी चैप्टर है और बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। यहाँ पे पूरा परसेंटेज से ही हम डील करते हैं, दैट व्हाट इज़ द मार्कअप परसेंटेज, व्हाट इज डिस्काउंट परसेंटेज, व्हाट इज प्रॉफिट परसेंटेज। तो अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज इन सब की वैल्यू याद होगी तो आप इसे इजीली कन्वर्ट टू फ्रैक्शन कर सकते हैं, और फिर वो काफ़ी इजी रहता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके गाइस, सो यहाँ पे आपका प्रॉफिट लॉस में एक बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर देखने को मिलेगा, और इसमें से एटलीस्ट प्री में तो एक या दो क्वेश्चन आते ही आते हैं, प्लस मेंस में इससे अर्थमेटिक क्वेश्चन भी बनते हैं एंड DI भी आती हैं। जितने भी चैप्टर आप देख रहे हैं, प्रॉफिट लॉस, SICI, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, ये हमारे मेंस के लिए, इनमें से DI आती है। सो हम जैसे जैसे अपना चैप्टर कंप्लीट करते रहेंगे, उसके बाद हम एक
मेंस की डीआई और प्री की डीआई ये दोनों कवर करेंगे। ओके, जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लिया, इसके सारे रिलेटेड हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, इसके जितने भी मैथमेटिक क्वेश्चंस हैं वो सब रीड कर लिए, उसके बाद हम इसके न्यू टाइप क्वेश्चंस ओके एंड फ्यू डीआईस ऑफ मेंस एंड प्री बोथ लेवल की हम इसमें सॉल्व करेंगे। ओके, देन जो थर्ड चैप्टर आता है दैट इज़ आर एसआई एंड सीआई। ये भी ये चैप्टर में अभी पूरा हम देखते हैं तो पूरा परसेंटेज का ही खेल है और प्लस अपने कॉन्सेप्ट थोड़े से अलग हैं। ओके, हम बात करें इन सब चैप्टर्स की तो अपने अपने कॉन्सेप्ट इनके थोड़े सभी के ही हैं, बट जो बेस हमारा जो कैलकुलेशन का आता है वो सीधे आता है परसेंटेज से। ओके, तो बिलीव मी गाइस, अगर आप परसेंटेज अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको थ्रू आउट आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, देखते हैं कुछ रिमेनिंग चैप्टर्स। देन हमारे पास आता है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ओके फॉर प्री एंड मेंस बोथ। इसमें भी आपको एटलीस्ट वन क्वेश्चन तो प्री में देखने को मिलता ही है और वो काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछते हैं, एंड मेंस में हमें कभी कभी डीआई और क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन भी इनमें से देखने को मिलते हैं। ओके, तो ये हम डिटेल में पूरा कवर करेंगे और साथ ही साथ पाइप एंड सिस्टर्न्स और टाइम एंड वर्क, ये दोनों ही एक ही कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, इनसे सिमिलर क्वेश्चन ही आते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपके ये दो कवर हो गए चैप्टर। ओके, देन हम पढ़ेंगे स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। तो यहाँ पे मैंने जो एक फ्लो चार्ट पूरा डिस्कस किया है, जो मैंने पूरा फ्लो चार्ट बनाया है, ये इस तरह है कि आप अपने पूरे हमारा सिलेबस भी कवर हो जाए और इफेक्टिवली आप सारे क्वेश्चन कर जाएँ। देखिए, इसमें जो हमारा प्रीवियस चैप्टर हम पढ़ेंगे वो हमारा जो फॉलोइंग चैप्टर होगा उसमें भी हमारी काफ़ी हेल्प करेगा। जैसे टाइम एंड वर्क है तो यहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट पाइप एंड सिस्टर्न्स में भी लागू होंगे, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस है तो इसके कॉन्सेप्ट पोर्ट एंड स्ट्रीम में भी लागू होंगे। ओके, तो इसीलिए ये फ्लो चार्ट अगर आपको अच्छा लगता है, आपको हेल्पफुल लगता है, तो आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं या फिर आप अपनी वॉल में स्टिक कर सकते हैं कि मैंने अपनी जो प्रिपरेशन है वो किस डायरेक्शन में बनानी है और मैंने कौन सा चैप्टर से स्टार्ट करना है और कहाँ पे मैंने एंड करना है। ओके, और इन सब चैप्टर्स के साथ साथ हम सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, ओके, क्वाड्रेटिक, ये सब भी पढ़ते रहेंगे साथ साथ में। ओके गाइस, नेक्स्ट हमारे पास है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। यहाँ पे हम बेसिकली जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके ट्रेन बेस्ड क्वेश्चंस एंड पेसिंग ट्रैक्स वाले क्वेश्चंस। ओके, अक्सर ये क्वेश्चन हमें इसमें पूछे जाते हैं, लेकिन हम इसमें हमारे सारे न्यू टाइप्स क्वेश्चंस एंड प्लस डीआई सारा सब कुछ कवर करेंगे। ओके गाइस, देन जो हमारी थर्ड चीज आती है वो है बोर्ड एंड स्ट्रीम्स। बोर्ड एंड स्ट्रीम्स में भी पूरा स्पीड से रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट है हमारे, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम्स, ओके, स्पीड ऑफ बोट, ये सब हम इसमें कवर करते हैं। और इसमें जो है जो बेस हमारा तैयार का वो पूरा एसटीडी से ही होगा, दैट इज स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। देन अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे पास आता है दैट इज एवरेज। एवरेज जो चैप्टर है आपका, इसमें हमारे फ्यू क्वेश्चन हम रेशियो प्रोपोर्शन की हेल्प से भी सॉल्व करते हैं और इसका एक अपना अलग से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। ओके, तो वो हम सब डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं हमारी आने वाली वीडियोस में, सो स्टे ट्यून टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड देन हमारे पास आ रहा है प्रोबेबिलिटी। देखिए, प्रोबेबिलिटी और प्रमोटेशन कॉम्बिनेशन दोनों एक ही चैप्टर है, आप इसे अलग से पढ़ने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं तो अपने आप प्रमोटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन आप लगाना शुरू कर देंगे। ओके, हम इसे इस तरह पढ़ेंगे कि हमारा दोनों चैप्टर्स एक ही बार में कम्प्लीट हो जाए। ओके, सो इन दोनों चैप्टर्स को आप बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है और यहाँ पे इस बार IBPS PO मेंस में एक प्रोबेबिलिटी से एक DI भी आया हुआ था, विच वॉज वेरी गुड DI था और जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उसने वो DI को श्योरली पूरा किया होगा। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था उसमें से और वो 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स के थे। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा DI पूछा गया था, वो भी डिस्कस करेंगे हम। एंड देन लास्ट में जो हमारे पास चैप्टर आ रहा है वो है मेंसुरेशंस। मेंसुरेशन जो है आपका चैप्टर, ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। ओके, यहाँ पे जिसको फॉर्मूले याद होंगे वही इन क्वेश्चन को कर सकता है। ओके, और ऐसा भी नहीं कि हमें सारे फॉर्मूले याद करने हैं, तो कुछ सिलेक्टिव फॉर्मूले हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, हम उन पर डील करेंगे और बाकी भी क्वेश्चन देखेंगे इसके रिलेटेड। ओके गाइस, तो ये हमारा रहेगा पूरा एक शेड्यूल कि किस तरह हम आगे बढ़ेंगे अपने प्रिपरेशन में फॉर एनी एग्जाम। अगर आप SBI PO, SBI क्लर्क, IBPS PO क्लर्क, RRB क्लर्क PO, जो भी बात करते हैं सब में, क्योंकि चैप्टर तो सेम ही रहते हैं,
तो हम हर तरह के क्वेश्चन यहाँ पे डील करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।